विभाग बंटन परे एबे कामर समय मोदी कैबिनेट रो संप्रसारण एवं अदल बदल परे गुरुवार संध्यारे नुवा कैबिनेट रो प्रथम बैठक आरंभ होइछे। बैठक रे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जाय परे सप्तम वेतन कमिशन को सुपारिश अनुसार सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता एवं डीआर रो लाभ रो आजर कैबिनेट परे कार्यकारी करा जाय परे बोली सूचना मिलुछि। तबे कैबिनेट बैठक मंत्रिमंडल संप्रसारण परे प्रथम करी बैठक होई कौन अच्छी बैठक रे चली आलोचना से अधिक अपडेट नवा दिल्ली रु मो सहयोगी गगन जोड़ी जाइछन्ते। गगन कैबिनेट बैठक मंत्रिमंडल संप्रसारण परे बैठक रे कौन खास रही फोकस रही कौन अपडेट आसुची गगन? तबे विभाग बंटन परे एबे कामर समय मोदी कैबिनेट रो संप्रसारण परे एवं अदल बदल परे आज संध्या रे कैबिनेट बैठक होईची एवं आउ किछ समय परे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बैठक मध्ये होबो। पहले तो एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसी को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसी का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया है इसको एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है। इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा। पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया, एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लिए हैं वो एपीएमसी को मजबूत करने के लिए, उस पर विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे। जो दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। उसके बाद ये भी निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निर्णय भी उस समय हुआ था कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे को भी उसमें उपयोग किया जा सके, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम, इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया। और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपये का आज उस पर निर्णय लिया है। इसमें भी राज्यों को अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोविड से लड़ना पड़े, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बाल चिकित्सा के लिए पेडियाट्रिक्स और बाकी सब सुविधाएं और बाकी भी सब, उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई वो भी आपको उस पर जानकारी देंगे। मैं पहले आग्रह करता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, और उसके बाद माननीय मनसुख भाई उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे
सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं, लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ नारियल की खेती होती है। नारियल के खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सके, उनकी उत्पादकता बढ़े और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके, और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक CEO होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं, दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे, यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा, आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आम तौर पर यह कहा जाता है कि नए कानून आए उससे APMC ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1,00,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधित किया गया है, उस 1,00,000 करोड़ के फंड का उपयोग ये APMC कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया, तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार APMC भी अब उसके लिए पात्र होंगी
और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कॉपरेटिव के फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें यह प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी, और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके, संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी, और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी, वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता, तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कॉपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर ये बंदिश लागू नहीं होगी, वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है, और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी, एपीएमसी ख़त्म नहीं होंगी, कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेंगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार, आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था, और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर
उस वक्त हमारे पास था ही नहीं। ये पैसा का उपयोग करके 8338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी थ्री में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 417,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीज़ का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज टू लाया गया है। पैकेज टू में कुल मिला के 23,000 करोड़ रुपीज़ का ये पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीज़ निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए देश में, भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते, क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते, उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक, देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जेएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो, ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके उसके लिए 244,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 ICU बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके, बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो ICU में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके, ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया
महामारी बढ़ी तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई, तो उसके लिए भी 5000 बेड और 2500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई, तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो, ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीज़ की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोक्योर करके बफर स्टॉक कर सके ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर्स, वी विल नाउ टेक ए फ्यू क्वेश्चंस। मनसुख जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने। आपण शुणुले केन्द्र कैबिनेट बैठक पर प्रेसमिट थी। प्रेसमिट में कृषि और स्वास्थ्य को नहीं बड़ घोषणा कर कृषि क्षेत्र में अनेक गुड़े निष्पत्ति खास करके नड़िया चाष को अधिक बुस्ट करने कि योजना कर जो बोर्ड थी से बोर्डर जो आईन थी 1980s बड़ आईन को परिवर्तन करा देहर जो मुख्य थे नुआ मुख्य परिवर्तन हे नुआ मुख्य केन्द्र रोते नुआ मुख्य से ही फिल्ड रू आसवे जो फिल्ड में अभिज्ञता थी नड़िया चाष उपर कि फार्मिंग कम्युनिटी रू जे नुआ मुख्य आसवे ता सहित पूर्व 4 मेम्बर सदस्य था एवं यहाँ 6 कर दि जाए 2 मेम्बर संख्या बढ़ाई दि जाए जो थे 2 नुआ राज्य सामिल होते आंध्रप्रदेश और गुजरात ता सहित एपीएमसी बा कृषि उत्पादन बजार समिति ये समिति को मजबूत करने की निष्पत्ति नि समिति 1,00,000 कोटी टंका फंड जरिया केमी चाषी मानू अधिक योजना पहुँचा जापर सीधा सड़क मंडी में जो समस्या होकर समाधान करने की बड़ पदक्षेप निया सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ पदक्षेप नि 23,000 कोटी टंकार कोविड इमरजेंसी रेस्पन्स फंड घोषणा कर जो 15,000 कोटी टंका राज्य सरकार देवे केन्द्र सरकार देवे 8,000 कोटी राज्य मिलित भावे लड़े में सामिल हे टेलीमेडिसिन मेडिकल फैसिलिटी डाक्तरी छात्रों को केमती स्वास्थ्य सेवारे नियोजित करा जाई पारिबो से नहीं कि निष्पत्ति।